एक एक थोड़ा हमें भी जरा आइडिया देना, जैसे अगर वैक्सीन लेकर आ रहे हैं तो एक तो उसको सिक्योर, लाइक कौन सा कंटेनर है, किस तरह का बर्फ का होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी कितनी होती है, ये सब चीजें भी आप आम लोगों को बताएं ताकि हम माएं खुद भी जरा चेक कर सके ना। देखिए सबसे पहले बात तो है कि एक कोल्ड चेन मेंटेन होती है, वो बर्फ में एक पोलियो का वैक्सीन रख के आते हैं वैसे। अच्छा। जब जहाँ पे रखा जाता है स्टोर में, वो भी एक चिल्ड फैक्टर होता है, फ्रीजिंग फैक्टर के वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ से ये निकाला जाता है, हर एक वर्कर को दिया जाता है विद ए चिल्ड बॉक्स। जब वो वर्कर आए तो आपको देखना चाहिए कि वो वैक्सीन चिल्ड है। पांच चीजें बताता हूँ कि पांच चीजें क्या चेक करनी है। पहले आपको चेक करना है वो वर्कर ईपीआई एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स का है कि नहीं, उसके पास कार्ड होगा या फिर इसके साथ एक बीएचओ इनके साथ होगा जो ईपीआई सेंटर का हेड होगा, वो हर इलाके में एक होता है और वो हमेशा टीम के साथ ही वहां पे प्रेजेंट करते हैं जहां पे उनका एक स्टॉल लगाया जाता है। सेकंड आपको चेक करना है कि इसमें कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं है, ठंडा है या नहीं है। दूसरा उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। पांचवी आप चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसमें वीवीएम लगा हुआ होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर वो इंडिकेटर से चेक करना है कि वो इंडिकेटर पर्पल तो नहीं हो गया, वो व्हाइट होता है। अगर वो पर्पल हो गया तो एक्सपायर हो जाता है। वैसे उनको भी ट्रेन ये किया जाता है अगर पर्पल हो गया तो आप दूसरा वैक्सीन यूज कर लें, जिस बटन को वो आप यूज कर रहे हो ठीक है। उसकी एक्सपायरी 24 आवर्स होती है, सब खोलते हैं 24 आवर्स में, मिनिमम हम 12 आवर्स में इसको फेंक देते हैं, जो शाम में सुबह से स्टार्ट होती है कैंपेन, शाम में वो खत्म होती है हम खत्म कर देते हैं और उसके बाद वो वैक्सीन थ्रू आउट कर दिया जाता है जितनी अगर बच भी जाए। और दूसरा हम चेक करवाते हैं कि अब SOPs हैं, अब SOPs से हिसाब से लोग जो आएंगे, पहले तो ये है कि ये श्योरिटी है कि हुकूमत सिंध ने जितने भी लोग आ रहे हैं आपके घर पे उनको उन्होंने PCR टेस्ट करवा के नेगेटिव किया है तभी वो आपके घर आ सकते हैं। दूसरा वो मास्क जरूर पहनेंगे, दूसरा वो सोशल डिस्टेंस रख के आपके बच्चे को पिलाएंगे, कोशिश वो करते हैं कि वो आपको वैक्सीन दे दें और आप दो कतरे उनको पिला दें। अच्छा। अगर साल के 15 दफा भी वो वैक्सीन आती है और 15 दफा भी आप उस वैक्सीन को पिलाते हैं तो आपके बच्चे के लिए वो फायदेमंद है, नुकसान नहीं देगी वो, मतलब ओवरडोज नहीं है उसका। हाँ। ठीक है, वो दो कतरे आपको हर दफा पिलाना है, ज्यादा पिलाएंगे ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगी। okay. क्योंकि हमारे मुल्क में इन चीज की इम्यूनिटी बहुत वीक है, नो डाउट उन एरिया में है जिन एरिया में सैनिटरी की ज्यादातर सिचुएशन बहुत खराब है। अच्छा। तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि क्योंकि वहां पर गटर बह रही होती है, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम।